हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री। कंटिन्यू करते हैं अपन बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। ओके, आज की जो शुरुआत है अपन स्टार्ट करते हैं विद अ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आई हैव 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड विद 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वी गेट 50 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। अपने को पूछा है परसेंट यील्ड निकालना है इसका, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा अजीब सा प्रॉब्लम लगेगा तुमको। अगर इसके पहले के प्रॉब्लम्स तुमने सॉल्व किए तो ये लगेगा कि थोड़ा सा अलग सा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे अपने को प्रोडक्ट दे दिया है। ओके, इनफैक्ट अपने को रिएक्टेंट भी दे दिए है। रिएक्टेंट का मास कितना लिया है, प्रोडक्ट का मास दिया है, तो हाउ डू वी कैलकुलेट द परसेंट यील्ड। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट, लाइक इफ यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस, लेट्स से कि फार्मिंग कर रहा है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस करी, यू आर डूइंग सम फार्मिंग। अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो तुमको हर साल कोई ना कोई यील्ड मिलता है। मान लो इस साल आपने फार्मिंग किया और उसको आपको कुछ यील्ड मिला, दिस इज लोअर देन प्रीवियस ईयर, तो अपन बोलते हैं ना कि इस साल का जो यील्ड है वो कम आ गया, इज इट फार्मिंग में। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना परसेंट कम हुआ, ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब परसेंट यील्ड निकाल सकते हैं। और उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि मान लो कि मेरे को कितना मिलना चाहिए था, ये कैलकुलेट करेंगे अपन, और इस बार कितना मिला वो अपन देखेंगे। फिर वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला कि एक्चुअल यील्ड ओवर थियोरेटिकल यील्ड टाइम्स 100। ओके, तो अपने को परसेंट यील्ड मिलता है, इजंट इट। एक्चुअल यील्ड मतलब कितना मिला, ओके, थियोरेटिकल यील्ड मतलब कितना मिलना चाहिए था, और उसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से टू गेट परसेंट यील्ड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपन परसेंट यील्ड के लिए निकालते हैं, इजंट इट। तो परसेंट यील्ड देखो 100% से हमेशा कम ही रहेगा। ओके, अगर 100% आता है मतलब एक्चुअल और थियोरेटिकल सेम हो गया, सो दैट बिकम्स 100% यील्ड। ऐसा तो होता नहीं है, इजंट इट। रियल लाइफ में 100 से कम ही तुमको मिलेगा। इट कैन बी वेरी क्लोज टू 100, बट एग्जैक्टली 100% तो कोई भी प्रोसेस तुमको नहीं देगी। तो एक्चुअली यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम ही मिलेगा अपने को, तो परसेंट यील्ड जो है ये हमेशा 100 से कम ही रहेगा। ओके, हमको यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए परसेंट यील्ड निकालना है, तो सबसे पहले अपन रिएक्शन लिख लेते हैं। सो वी हैव अमोनिया, दैट इज़ द प्रोडक्ट। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अपन ने लिया है, और इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, सो दिस बिकम्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन। मेरे को दिया है 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 50 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। तो ये जो 50 ग्राम्स ऑफ अमोनिया मिला है, दिया है कि 50 ग्राम्स ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड, तो ये रहेगा तुम्हारा प्रैक्टिकल और एक्चुअल, प्रैक्टिकल या एक्चुअल यील्ड अपने को यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो देखो प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड जो रहेगा ये हम हमेशा तुमको दिया रहेगा, ये अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, इजंट इट। दिस इज समथिंग यू एक्चुअली गॉट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, तो ये तुमको हमेशा दिया ही रहेगा। अब थ्योरेटिकल यील्ड जो होता है वो अपने को निकालना पड़ता है, तो तुमको निकालना है थ्योरेटिकल यील्ड। ओके, एंड देन प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड टाइम्स 100 गिव्स यू परसेंट यील्ड, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल यील्ड मतलब कि तुमको कितना मिलना चाहिए था। यहाँ पे अपन 100% यील्ड या फिर 100% कन्वर्जन अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ अगर बराबर रिएक्ट हुआ एग्जैक्टली द वे इट इज सपोज टू बी, तो मेरे को कितना यील्ड मिलना चाहिए था। ओके, द आइडियल कंडीशन के अंदर अपने को कितना मिलना चाहिए था, दैट इज अ थियोरेटिकल यील्ड। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक्चुअल यील्ड इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन थियोरेटिकल यील्ड। तो दोनों यील्ड में से मेरे को सिर्फ थियोरेटिकल यील्ड ही निकालना पड़ता है, विच इज समथिंग वी हैव डन अर्लियर, ठीक है ना। इसके पहले वाली जो एक्सरसाइज अपन ने किए थे उसमें हमने जब भी प्रोडक्ट कैलकुलेट किया दैट वाज ऑलवेज अ थ्योरेटिकल यील्ड। ओके, सो उसी को थ्योरेटिकल यील्ड बोल रहे हैं, और वही हमको कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, एक्चुअल यील्ड जो है तुमको दिया रहेगा, एंड यूजिंग द फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट परसेंट यील्ड। ओके, तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए हमको देखना पड़ता है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ओके, हमारे पास दो रिएजेंट है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इनमें से लिमिटिंग कौन है ये अपने को डिसाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आई नीड टू कंसीडर द लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आई नीड टू कंसीडर द मोल रेशियो। मोल रेशियो मेरे को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मोल रेशियो है दैट इज 1:3 का मोल रेशियो है। तो हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में देखे थे कि जो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते वो एक स्पेसिफिक रेशियो में कंबाइन होते, तो यहाँ पे भी ये जो रिएक्टेंट है अपने ये एक स्पेसिफिक रेशियो में ही कंबाइन होंगे, ठीक है ना। तो अब हमको देखना है कि ये जो अपन ने कंपाउंड्स लिए हैं मासेस, ठीक है ना, ये जो लिया है क्या ये इसी में मोल रेशियो में है। अगर नहीं तो जो जिसका कम रहेगा,
मास या फिर जिसके मोल्स कम रहेंगे वो रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट, और जो ज़्यादा मोल में है वो रहेगा एक्सेस में। तो हमको मोल रेशो के हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन सा कम है, दैट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। और जितना अपना लिमिटिंग रिएजेंट है उसी हिसाब से अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि अपने को प्रोडक्ट कितना मिलेगा, तो फोकस अपना लिमिटिंग रिएजेंट पे होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को देखना है कि ये दो में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लूँगा दोनों को। सो मोल्स अपना होता है एन इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट होता है 56 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट है नाइट्रोजन का 28, तो यहाँ पे मेरे को मोल आता है 2। और यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 10 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे n आता है 5, ठीक है। तो मेरे जो मोल्स है रिएक्टेंट के जो मैंने लिए हैं मासेस में, दैट इज़ 2:5। अगर मान लो मेरे को एक मोल नाइट्रोजन का चाहिए, ठीक है ना, या फिर एक मोल मैंने नाइट्रोजन का लिया, तो मेरे को 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, ओके। तो अगर मैं 2 मोल ले रहा हूँ नाइट्रोजन के, तो मेरे को कितने मोल्स चाहिए, 6 मोल्स। क्या ये 6 मोल है? नहीं, 6 से कम है, isn't it? So, मेरे पास 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, isn't it? तो जितना चाहिए था उससे कम है एक जो रिएजेंट है, दैट इज द हाइड्रोजन। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, हाइड्रोजन, अंडरस्टूड है। सो दैट इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट देखो किस तरह से मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है और फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। इट्स वेरी सिंपल थिंग कि हम डिसाइड करेंगे रेशो से, 1:3 का रेशो चाहिए। मैंने जो लिया है 56 ग्राम दैट इज़ इक्वल टू 2 मोल्स, और यहाँ पे मैंने लिया है 10 ग्राम दैट इज़ इक्वल टू 5 मोल, ओके। सो अगर मेरे पास 2 मोल्स नाइट्रोजन है तो मेरे को 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ 5 मोल्स है, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है हाइड्रोजन। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। अगर तुमको याद होगा मैंने सिमुलेशन दिखाया था, द जो सैंडविच वाला जो सिमुलेशन दिखाया था, उसमें उसको इमेजिन करने की कोशिश करो कि अगर मेरे पास चीज़ कम है तो चीज़ बिकम्स द लिमिटिंग रिएजेंट, अगर मेरे पास ब्रेड कम है तो ब्रेड बिकम्स द लिमिटिंग रिएजेंट, इज़न्ट इट। तो उतने ही मैं सैंडविचेस बना सकता है जितना मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, ओके। और लिमिटिंग रिएजेंट पूरे के पूरा कंज्यूम हो जाता है, एक्सेस वाला रिएजेंट बचा रहेगा, थोड़ा बहुत जो एक्सेस में था वो बचा रहेगा। तो इससे अपन वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बचेगा, ओके। सो व्हाट वी नीड टू नो नाउ इज जो लिमिटिंग रिएजेंट है दैट इज हाइड्रोजन, इज़न्ट इट। तो ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके मोल्स कितने हैं, इसके मोल्स है 5 मोल्स, इज़न्ट इट। अभी अपन ने कैलकुलेट किया था 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 5 मोल्स, और जो प्रोडक्ट है इसका अभी फिलहाल अपने को काम नहीं रहेगा, ओके। ये दिस इज द एक्चुअल यील्ड नो, तो इसका अपने को काम नहीं रहेगा। तो मेरे पास अगर 5 मोल्स हाइड्रोजन है तो मेरे को प्रोडक्ट कितना मिलेगा, ध्यान में रखो कि ये जो है देयर इज 3 मोल, 3 मोल अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूँ तो मेरे को 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म होता है। तो अगर 5 मोल है तो कितना फॉर्म होगा, सिंपल रेशो प्रोपोर्शन है। सो 3 मोल ऑफ H2 लिया तो 2 मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म होगा, ओके। और अगर 5 मोल हाइड्रोजन लिया तो X मोल ऑफ NH3 फॉर्म होगा। तो X निकालना है, X इज इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3, 5 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3.33, ओके, या 3.34, जो भी करना है तुमको कर लो, ओके, व्हाटएवर। सो दैट इज द मोल्स ऑफ अमोनिया दैट इज फॉर्म्ड, ओके। तो मेरे को X की वैल्यू मिल गई 3.34 मोल्स, इतना अमोनिया मेरा फॉर्म होगा, दैट इज माय थ्योरेटिकल यील्ड, ओके। अब इस मोल्स को मैं मास में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मास अगर निकालना है, मास इज इक्वल टू मोल्स टाइम मॉलिक्यूलर वेट, ये अपन ने इसके पहले देखा हुआ है, मोल्स है 3.34 टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट होता है 17 अमोनिया का, ओके। एंड सो व्हाट वी गेट इज दिस इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ओके,
तो यहाँ पे देखो परसेंट यील्ड जो आ रहा है दैट इज 88%, विच इज़ नॉट बैड. एनीथिंग अबाउट 90 इज़ कंसिडर्ड अ वेरी गुड यील्ड. लेकिन ये रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है. ओके, मैं तुमको आगे बताऊंगा. जैसे फॉर एग्जांपल जो अमोनिया बनाने का जो तरीका था पहले, दैट वाज वेरी पुअर. ओके, अमोनिया बहुत अच्छे से नहीं बनता था. एंड द रीज़न वी वॉन्टेड टू मेक अमोनिया इज बिकॉज अमोनिया में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के बहुत सारे यूसेस है. देखो नाइट्रोजन जो होता है इस केस में दैट इज़ अनरिएक्टिव. तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहा हूँ. नाइट्रोजन जो होता है गैस, एयर में नाइट्रोजन होता है तो वी कैन एक्चुअली यूज़ नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन एज N2 इज़ एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव, यूजलेस है. ओके, इनर्ट होता है नाइट्रोजन. तो मेरे को उसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इसके पहले जो यूज़ करते थे अपन नाइट्रोजन के फॉर्म्स, ओके, जैसे नाइट्रो या NH3 या और भी कोई फॉर्म होंगे नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने, तो वो जो थे उसमें नाइट्रोजन बहुत पुअरली कन्वर्ट होता था. और नाइट्रोजन हमको लगता है दो स्पेसिफिक चीज़ों में, एक होता है फर्टिलाइजर्स में और दूसरा आता है एक्सप्लोजिव्स में. एक्सप्लोजिव्स में और फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन यूज़ किए जाते हैं. दिस वॉज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर I, जब नाइट्रोजन की कमी थी. ओके, तो इसेंशियली जो वॉर में जिसके पास ज़्यादा एक्सप्लोजिव है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है. तो हेबर जो था, ओके, आई थिंक वॉज जॉन हेबर और समथिंग, जो हेबर जो था साइंटिस्ट, उसने ये प्रोसेस परफेक्ट किया. एज ए जर्मन साइंटिस्ट उसने ये प्रोसेस परफेक्ट की और उसने नाइट्रोजन का इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, सो अमोनिया का यील्ड बढ़ा दिया बाय यूजिंग हेबर प्रोसेस. तो उसने जो कंडीशंस बताई वो कंडीशंस, स्पेसिफाइड कंडीशंस में तुमको ज़्यादा यील्ड मिलता है अमोनिया का. और ये जो है इसको रिसर्च में अभी भी अपन यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस, टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द रिएक्शन, किस तरह से अपन उसका यील्ड बढ़ा सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें अपन आगे देखेंगे. बेसिकली विल वी गोना लुक एट इन इक्विलिब्रियम टॉपिक, ठीक है, ये अपन आगे देखने वाले इक्विलिब्रियम. तो ध्यान में रखना कि जो हेबर प्रोसेस है दैट इज़ अ वेरी वेरी नाइस रिएक्शन. ये अपन एक सिंपल फॉर्म में इसको लिख रहे हैं अपन, बट दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़. इट इज़ बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस. इसमें ज़्यादा चीज़ें यूज़ की जाती है, कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, टेपर, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है. सो दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी नाइस रिएक्शन टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि किस तरह से अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं रिएक्शन टू इंक्रीज द यील्ड. तो अमोनिया का परसेंट यील्ड यहाँ पे, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द केस. अमोनिया को इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बनाया जाता है जिसमें यील्ड बहुत कम होती है. तो उसको यील्ड यूज़ बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की जाती है. ये अपन इक्विलिब्रियम टॉपिक में पढ़ेंगे. ओके, सो आई होप कि तुमको अंडरस्टैंड हो गया कि किस तरह से अपन परसेंट यील्ड निकालते हैं. परसेंट यील्ड के लिए अपन देखो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड. एक्चुअल यील्ड तुमको दिया रहेगा, थ्योरेटिकल यील्ड तुमको निकालना पड़ेगा. उसके लिए तुमको लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना पड़ेगा. जितना लिमिटिंग रिएजेंट है उसी हिसाब से तुमको तुम्हारा प्रोडक्ट का यील्ड मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर थ्योरेटिकल यील्ड. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसके पहले जो अपन ने देखा था थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट इट इज़ बेस्ड अपॉन परसेंट यील्ड. तो क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस कंबाइंड टू फॉर्म अमोनिया, 5 moles ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 12 moles ऑफ हाइड्रोजन. तो हमको दे दिया है कि 5 moles ऑफ हाइड्रोजन और 5 moles ऑफ नाइट्रोजन एंड 12 moles ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहे हैं. परसेंट यील्ड इज ओनली 30%. कंप्यूट द क्वांटिटी ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पे देखो हमको परसेंट यील्ड मालूम है ऑलरेडी, परसेंट यील्ड दे दिया है. और अगर मैं ये हेबर प्रोसेस की रिएक्शन करता हूँ और परसेंट यील्ड अगर 30% है तो मेरे को कितना प्रोडक्ट मिलेगा. अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ देख लो. अगर मेरे को अमोनिया प्रोड्यूस करना है, मेरे को स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए मेरे को परसेंट यील्ड मालूम रहना ज़रूरी है कि ये प्रोसेस से मेरे को कितना बनेगा. ठीक है, तब जाके मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ मेरा सिंथेसिस कि मेरे को इतना बनाना है तो मेरे को कितना स्टार्टिंग मटेरियल लेना पड़ेगा, इजंट इट. क्योंकि 100% तो मिलने वाला नहीं है. तो जो भी उसका परसेंट यील्ड रहेगा उसके हिसाब से मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरे को अगर इतना बनाना है तो उसके लिए मेरे जो रॉ मटेरियल है, रिएजेंट्स है, वो कितने मेरे को लेने पड़ेंगे और किस हिसाब से मेरे को रिएक्शन करना पड़ेगा. अंडरस्टूड है. सो ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है. सो इट टेल्स यू अबाउट द बैक कैलकुलेशन. मेरा टारगेट ये है तो इस हिसाब से मेरे को कितना लेना पड़ेगा. सो द रिएक्शन इट्सेल्फ इज़ वेरी इजी. H2 + N2
गिव्स यू NH3, बैलेंस कर लो, ओके, 3:1 का रेशो रहेगा और प्रोडक्ट अपने को अमोनिया मिल रहा है। तो इस केस में मेरे को देखो मोल्स दिए है रादर देन मासेस, लेकिन मासेस दिए होते तो मेरे को उसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ता, इजंट इट, तो ये मेरे को करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को दिए है हाइड्रोजन के 12 मोल्स है और नाइट्रोजन के 5 मोल्स हैं, ओके, जो रेशो है इनके कॉम्बिनेशन का दैट इज़ 3:1, राइट। अब मेरे को दिए है 5 मोल्स, सॉरी, इसके 12 मोल्स दिए है और इसके 5 मोल्स दिए है। तो अब देखो, नाइट्रोजन अगर 1 मोल लेता हूँ तो मेरे को 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे, और अगर मैं नाइट्रोजन 5 मोल ले रहा हूँ तो मेरे को 3 टाइम्स लगेंगे, तो 3 टाइम्स ऑफ दैट इज़ 15, इजंट इट। लेकिन मेरे पास 15 नहीं है, मेरे पास 12 ही है, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, फिर से हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, तो अपने को लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया, ओके। अब मेरे को थ्योरेटिकल यील्ड निकालना है, ठीक है, तो मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया, तो अब मैं इससे थ्योरेटिकल यील्ड निकालूंगा। मेरे को परसेंट यील्ड मालूम है, तो इस फॉर्मूले में देखो मेरे को परसेंट यील्ड मालूम है, थ्योरेटिकल यील्ड मैं निकालूंगा, तो एक्चुअल यील्ड मेरे को निकालना है, इजंट इट। सो एवरीथिंग एल्स इज नोन, तो अगर मेरे को, तो मेरे को इसके लिए फिर से थ्योरेटिकल यील्ड निकालना पड़ेगा, ओके। तो थ्योरेटिकल यील्ड मैं लिमिटिंग रिएजेंट से निकालूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट है हाइड्रोजन, ओके। सो लिमिटिंग रिएजेंट अगर हाइड्रोजन है, तो ये अगर 12 मोल लेता हूँ मैं, तो मेरे को अमोनिया कितना फॉर्म होगा, देखो 3 मोल अगर हाइड्रोजन लेता हूँ तो मेरे को 2 मोल अमोनिया फॉर्म हो रहा है, तो अगर 12 मोल लिया तो कितना, ओके। सो इसको सेटअप कर लो, स्टार्टिंग में थोड़ा आराम से करना पड़ेगा, बाद में यू कैन डू इट मच ईजियर। तो x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आता है 8 मोल, ओके, 8 मोल ये मेरा आंसर है। 8 मोल को तुम कन्वर्ट कर लो ग्राम्स में, मास में, सो मास इज इक्वल टू हो जाता है मोल्स टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट, सो 8 टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट है इसका 17, सो दिस बिकम्स, तो वी गेट 136 ग्राम, ओके। सो रिमेंबर दिस इज योर थ्योरेटिकल यील्ड, हमने थ्योरेटिकल यील्ड निकाल लिया। परसेंट यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड टाइम्स 100, ओके। सो वी नो द परसेंट यील्ड है 30%, ओके, टाइम्स इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड ही हमको निकालना है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हमने निकाला है 136 टाइम्स 100, एंड इफ यू सॉल्व दैट, ओके, सो प्रैक्टिकल यील्ड इज इक्वल टू 30 टाइम्स 136 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कैलकुलेट कर लो, सो प्रैक्टिकल यील्ड तुमको 40.8 ग्राम, दैट इज़ योर प्रैक्टिकल यील्ड, ऑलराइट। ये अपना थ्योरेटिकल यील्ड है, मतलब मैक्सिमम इन दिस कंडीशन जो अपने को मिल सकता था दैट वाज 136 ग्राम, इतना अपने को मैक्सिमम मिल सकता था, इससे ज़्यादा मिलने के कोई चांस नहीं है, इससे कम ही अपने को मिलेगा। और जो एक्चुअली में अपने को मिला, क्योंकि परसेंट यील्ड सिर्फ 30% है, तो अपने को जो मिला 40.8 ग्राम या 41 ग्राम यू कैन से, ऑलराइट। एंड यू कैन वेरीफाई कि ये जो 40.8 डिवाइडेड बाय 136 इज एक्चुअली 30%, तो 30% है, ये हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ अवर एक्चुअल या प्रैक्टिकल यील्ड, ओके। तो देखो ये जो दो एग्जांपल्स अपन ने देखे, इससे जो थ्योरेटिकल यील्ड से रिलेटेड जो भी तुम्हारे इश्यूज या डाउट्स थे वो समझ में आ जाने चाहिए। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल, रिमेंबर दैट, दिस इज़ हाउ वी डील विथ एवरीडे थिंग्स। केमिस्ट्री में भी अपन इसी तरह से डील करते हैं, ओके। परसेंट यील्ड ये कोई भी प्रोसेस के रहने दो, नॉट जस्ट इन केमिस्ट्री, इन एनी वेयर व्हेन यू टॉक अबाउट परसेंट यील्ड, ये तुमको इफिशियंसी बताता है उस प्रोसेस का, अंडरस्टूड है। कि यहाँ पे अपन एक रिव्यू क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द रिएक्शन सोडियम प्लस वाटर गिव्स यू NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमने क्या कर दिया कि सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर, तो पानी में अपन ने सोडियम मेटल को डाल दिया। वी नो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ये जो रिएक्शन होती है दैट इज़ क्वाइट एक्सोथर्मिक, और कभी कभी हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होता है बर्न भी होता है, सो यू कैन सी सम फायर इन वाटर, ओके। What will determine the quantity of hydrogen produced under the laboratory condition? अपने को हाइड्रोजन कितना मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा, सोडियम या वाटर, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये तुम देख लो,
तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इसको तुम डिसाइड कर लो, ठीक है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन है, इसके लिए मैं तुमको 10 सेकंड देता हूँ। ओके, okay, so the answer for this one is sodium is the limiting reagent. देखो sodium को हमने पानी में डाला, इसका मतलब पानी ज़्यादा ही रहेगा, isn't it? तो that's why sodium is going to be the limiting reagent. तो hydrogen gas अपने को कब तक मिलेगा? जब तक पूरे का पूरा sodium react नहीं हो जाता, पानी unreacted बचा ही रहेगा, isn't it? It is going to be a solution, और solution रहेगा तो इसका मतलब पानी तो रहेगा ही उसमें, isn't it? तो sodium going to be the limiting reagent. Okay, and the last question for today is compute the mass of sodium hydroxide reacted in grams after addition of 36.5 grams of HCl. Okay, तो हमको ये decide करना है कि mass of sodium hydroxide कितना react होगा जब मेरा HCl is 36.5. Okay, simple ratio proportion वाला problem है, I'll give you 20 seconds for it. ऑलराइट, सो सबसे पहले रिएक्शन लिख लो, NaOH प्लस HCl गिव्स यू NaCl प्लस H2, ठीक है। दोनों का जो रिएक्टिविटी है दैट इज 1:1 का रेशो है। तो अगर मेरे पास 1 मोल NaOH है तो उसके लिए मेरे को 1 मोल ऑफ HCl लगेगा। ओके, हमारे पास HCl कितना है? 36.5 ग्राम। ऑलराइट, तो मेरे को NaOH कितना लगेगा ये मेरे को निकालना है, इजंट इट? तो सबसे पहले मैं देख लो कि 36.5 ग्राम इट्सेल्फ इज अ 1 मोल। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है HCl का, दैट इज 36.5 ग्राम। तो इसका मतलब NaOH भी कितना लगेगा मेरे को? 1 मोल। और 1 मोल ऑफ मास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, दैट इज 40। सो 40 ग्राम्स ऑफ NaOH रिएक्ट होगा। इस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हैं। सो दैट इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। तो नेक्स्ट इसमें वी गोना लुक एट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सी की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन किस तरह से अपन एक्सप्रेस करते हैं, कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है और उनका एप्लीकेशन। दिस इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, रिमेंबर, क्योंकि काफ़ी बार अपने को ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दिए होते हैं, उससे अपने को कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं या फिर ये कॉन्सेंट्रेशन निकालने पड़ते हैं सोल्यूशंस के। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू विद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द नेक्स्ट वीडियो। All right, thank you very much. Bye-bye.